जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान, राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, टूटे हुए दिलों को जोड़ता है प्यार, अपने आप को अपने आप से मिलाता है प्यार। बस एक दूसरे को साथ लेकर चलते रहें तो ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। खूबसूरत तभी ही बन पाएगी जब आप अपने आप को जानेंगे और अपने प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, उन सवालों को जवाब ढूंढेंगे जिनके बारे में आज हम दिन रात सोच रहे हैं। इन्हीं सवालों के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर गिरीश जी। नमस्ते। नमस्कार अनायका, स्वागत है आपका। बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा भाई जी, सबसे पहले मुझे एक सवाल आ रहा है दिमाग में। जब हम शुरुआत करते हैं हमारी जिंदगी की, तो हमें तो पता नहीं होता कि प्रॉब्लम्स आने वाली है। जैसे एक बच्चा होता है, वो तो बड़ी खुश रहता है, उसके लिए मुस्कुराना ही जिंदगी है। लेकिन जब वो आता है, जब वो सबसे पहले इस दुनिया में आता है, तो रोते हुए आता है। ये क्या है? जैसे आज कहने के लिए जिंदगी तो बहुत ज्यादा, हम कहते हैं कि जिंदगी बहुत ही खुशनुमा है, लेकिन एक बच्चा रोते हुए आता है, तो क्या ये सिग्निफाई करता है कि जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड है? अनायका जी, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा ब्रॉडली हम समझें जी, और यहाँ वापस जिंदगी बने आसान आ जाता है जी, कि हम जो चीज देखते हैं उसको हम बहुत लिटरल सेंस में देखते हैं। रोने का अर्थ आंसू नहीं है, वो तो एक फिजिकल एट्रिब्यूट है कि मन बहुत दुखी है, अंदर से कोई दर्द है। एक छोटे से बच्चे को जब जन्म होता है, हम उसको जबरदस्ती रुलाते हैं। अच्छा। क्यों? या क्योंकि वो फिर ऑक्सीजन लेना चाहिए, क्योंकि वो तब तक ऑक्सीजन नहीं लेता है। जब वो बाहर आता है इस दुनिया में, तो वो ऑक्सीजन ले और सांस छोड़े, तब जिंदगी शुरुआत होती है। तब कहीं ना कहीं डॉक्टर उसको थोड़ा सा वो करके, ताकि वो बच्चा रोए। इससे ये साबित होता है कि बच्चा इज अलाइव। आपने ऐसा भी देखा होगा कि कई कॉन्टेक्स्ट में जब मनुष्य बहुत खुश होता है तो भी रोता है। खुशी के आंसू कहते हैं। बिल्कुल। तो जो आंसू है, आंखों से पानी टपकना, जो बूंदे हैं, मेरे हिसाब से वो इस बात को डिपिक्ट नहीं करता है कि दुख है। वो एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। दुख जो है वो कोई कुछ और कहें कि अंदर से मेरे में ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग है। दुख इज अ फीलिंग जिसका रिप्रेजेंटेशन आंसू हो सकते हैं। आपने कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में बात की थी कि हम कुछ सवाल हैं हमारे जीवन के जो हम उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं। यहाँ हमको कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं पिछले एपिसोड में भी आपसे मैं चर्चा कर रहा था, हमारा जो प्रयास रहा है वो बाह्य जगत को आसान करना है, कहीं ना कहीं अंदर हम कॉम्प्लिकेटेड हो गए। और मैंने जितना समझा है, अध्यात्म इज टू मेक लाइफ ईजी। उसको मैं एक फिलोसफिकल नॉमेनक्लेचर में स्पिरिचुअलिटी कहता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भाषा में अपडेशन इन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। अगर मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करूं, तो मैं समझता हूं जो व्यक्ति बहुत तरक्की करता है, जो अपने गोल्स को अचीव कर लेता है, मेरे हिसाब से वो भी अध्यात्म ही है। अंदर की डेवलपमेंट, अंदर की सफलता, अंदर का आसानी, अंदर में इम्प्रूवमेंट, अंदर का डेवलपमेंट इज इक्वल टू आध्यात्मिकता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे बहुत क्लियर हो जाएगा। जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम कॉम्प्लिकेटेड हैं। हमारा प्रस्पेक्टिव कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि अंदर की सफाई नहीं की। अंदर के
सफाई के लिए मैंने उसको एक इंटीग्रल पार्ट नहीं बनाया, जैसे मैंने कहा था मोबाइल मेरा एक इंटीग्रल पार्ट हो चुका है। ट्रैवल के लिए मेरे पास आज साइकिल भी है, स्कूटर भी है, कार भी है, ट्रेन भी है, एरोप्लेन भी है। इसके बिना मैं जिंदगी की परिकल्पना नहीं कर सकता हूँ, विदाउट दिस लाइफ वुड कम टू अ स्टैंड स्टिल। वैसे ही क्या मैंने अंदर की सफाई, अंदर की आसानी, अंदर का डेवलपमेंट को भी इतना इंटीग्रल बनाया नहीं है। एंड तब हमको ये मिसमैच के कारण हमें लगता है कि कितना तो मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उसका, जो जो जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड है वो रिजल्ट है, उसका कारण कहीं और है। तो इस कारण को समझना जरूरी है। बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इट्स अ वेरी आई मीन हिलेरियस बट अ वेरी, मेरे को उसने बहुत कुछ लर्निंग दिया है। जी। एक बार हम फॉरेन में प्रोग्राम कर रहे थे, एक प्रोग्राम करके एक होटल में प्रोग्राम था, वहाँ से हम आ रहे थे, तो हमारा एक और नेक्स्ट प्रोग्राम भी था। तो जो नेक्स्ट प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने हमें कॉल किया कि सर आपके लिए गाड़ी नीचे इंतजार कर रही है, ड्राइवर भाई जो हैं आपका नेम प्लेट जो होता है, क्योंकि मैं नहीं जानता था उनको, सो वो आपका प्लकार्ड लेकर खड़े हैं, प्लीज आप इंट्रोड्यूस करना उनको एंड प्लीज कम इन दैट व्हीकल। आई सेड फाइन, देयर इज नो इश्यूज। तो जैसे ही मैं रिसेप्शनिस्ट रिसेप्शन एरिया में हम पहुंचे तो वो भाई मैंने देखा कि मेरा नाम लेके खड़े, तो आई वेंट अक्रॉस टू हिम एंड इंट्रोड्यूस दैट आई एम मिस्टर गिरीश। तो उन्होंने कहा सलाम साहब, तो मैंने कहा आपको भी बहुत बहुत सलाम है, और ये गल्फ कंट्री था। तो उन्होंने कहा आप दो मिनट इंतजार करिए मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। हमने कहा ठीक है। तो वो गाड़ी लेकर आए और मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा तो ये जो ड्राइवर भाई थे बहुत उत्सुक थे, बहुत यू नो इंक्विजिटिव माइंड थे। तो वैसे भी जब मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन करा रहा था तो वो मुझे बहुत गौर से देख रहे थे क्योंकि मैं ऐसे ही ड्रेस में था। सो मे बी ही गॉट लिटिल क्वेश्चन इन हिज माइंड बिकॉज वो होटल में सब थोड़ा फॉर्मल अटायर में थे एंड गिरीश वाज वेयरिंग वाइट वाइट। सो ही हैड दिस क्वेश्चन कि पता नहीं ये भाई यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, हम गाड़ी में बैठ के हम जाने लगे तो ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। उन्होंने कहा सर आप क्या करते हैं, बिकॉज उनको लगा कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ही डिड नॉट फिट इन टू दैट पर्टिकुलर सेटअप। एग्जैक्टली, या क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना। आध्यात्मिकता इज इक्वल टू ईजी, तभी जिंदगी बने आसान। तो मैं आध्यात्मिकता को एक टूल की तरह यूज कर रहा हूँ, आध्यात्मिकता साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरह यूज कर रहा हूँ, आध्यात्मिकता सक्सेस की तरह यूज कर रहा हूँ। नॉट दैट हमने जितना आज तक समझा है इसको थोड़ा ब्रॉडरली हमको समझना है। तो मैंने उनको ना आसान डेफिनेशन दिया कि मैं क्या करता हूँ, देखना कितना कॉम्प्लेक्स है। वैसे तो मैं प्रोफेशनली अगर आप मुझसे पूछें, अगर मेरा प्रोफाइल आप देखें तो जैसे आप कह रहे थे लाइफ कोच, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, जो कह लें नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। मैं अनेक कॉरपोरेट्स में और अनेक संस्थाओं में जा करके ट्रेन करता हूँ लोगों को ऑन सॉफ्ट स्किल्स, ऑन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। तो ये सब मेरा प्रोफाइल है, थोड़ा एग्जॉस्टिव है, मेरी क्लाइंट लिस्ट बहुत लंबी है और जो मुझे फीडबैक मिले हैं वो सब, जिसको हम थोड़ा सा मार्केटिंग कह ले आमतौर की भाषा में, बहुत अच्छी तरह उसको मैं पैकेज। तो जब ये ड्राइवर भाई ने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं तो मैंने उनसे आसान उत्तर दिया कि मैं लोगों से बातें करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, विच इज अ फैक्ट। आज भी मैं आपसे बातें ही कर रहा हूँ, आज भी मैं इस माध्यम से दर्शकों से बात करता हूँ, कोई बहुत बड़ा एक एमएनसी कंपनी में भी मैं लोगों से बात ही करता हूँ। अब देखना हमने किस प्रकार से चीजों को पकड़ना शुरू किया, उसका मैं आपको एक और आसान व्यक्तित्व के बारे में बात करता हूँ। मैंने जितना समझा है इस जिंदगी में सबसे सक्सेसफुल इन द ट्रू सेंस डेफिनेशनल टर्म्स, मतलब जो हमें डिफाइन करें लीडरशिप को, उस टर्म में जो 100% बैठता है लीडर, जो 500% हर मायनों में सक्सेसफुल है, जो 1000% आध्यात्मिक है, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी awards, rewards, without any experience, without any knowledge, जी, in the true sense successful leader, spiritual, brilliant, fearless,
क्या आप सोच सकते कौन हो सकता है? कौन? ये है एक छोटा सा बच्चा. ओ वाओ, ओके, राइट, सो ट्रू. जी, अब जिंदगी बने आसान, अगर हम उस बच्चे की जिंदगी को देखते हैं, बहुत आसान है. और कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, जैसे वो भाई ने मुझे उस जेल में बनाया था, हम सोचने में कोसने में इतना कॉम्प्लिकेटेड अंदर हो गए हैं. वेयर लाइफ इज लॉस्ट इन लिविंग. वो छोटा बच्चा जीता है हर पल. और इस संसार में जितने लोग सफल हुए ना, फॉर एग्जाम्पल सचिन रमेश तेंदुलकर, 24 साल वो क्रिकेट खेलता नहीं है, वो जीता है. लता मंगेशकर जब गाना गाती है तो वो जीती, शी लिव्स व्हाइल शी इज सिंगिंग. अमिताभ बच्चन जब एक्टिंग करता है तो वो काम नहीं करता है, ही लिव्स. अनफॉर्चुनेटली आज यहाँ बैठकर इस एपिसोड के लिए मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं जी रहा हूँ? क्या मैं जब ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, तो जीता हूँ? मैं माँ अपने बच्चे को सुबह स्कूल जाने के लिए उसको तैयार करवा रही है, तो जीती है या काम करती है? हमारे लिए जिंदगी काम हो गया है, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया है. सॉरी, हमको जिंदगी को किस आधार से पकड़ना है? हमको किस आधार से, गिरीश भाई यहाँ बैठकर आपसे बात कर रहा है, मेरे लिए ये क्या है? Am I doing a favor to the whole audience? Not at all. Am I doing a favor to Anaika ji? Anaika, yeah. Sorry. और क्या मैं ये बैठ करके सोचूं कि मैं बहुत महान हूँ? गए काम से. इसीलिए आसान. मैंने वो ड्राइवर भाई को कहा, मैं बातें करता हूँ. एक छोटा बच्चा को जब मेरे बारे में बताया जाता है, suppose intellectual audience है, ऑर्गेनाइजर मेरे बारे में क्या बोलते हैं, रत्न जड़ देता है, क्योंकि लोगों को बताना बहुत जरूरी होता है कि कैसे व्यक्ति को हमने पकड़ के लाया है. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इंप्रेशन नहीं डालेंगे तो आपकी बात कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? तो वो ये बताना चाहते हैं कि गिरीश भाई इतने बिजी रहते हैं, इतने हाई फाई नेटवर्थ वाले व्यक्ति हैं, इनको पाना बहुत मुश्किल है. आज इन्होंने हमारे ओकेजन में आए, हम धन्य हो गए, ब्ला 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 ब्ला. या ठीक है ना, इससे ऑडियंस को भी ना एक वाव इफेक्ट आता है. माय गॉड, मैं किसको सुनने वाला हूँ? Somebody who is a stalwart. बहुत ध्यान से सुनना. उस ऑडियंस में एक छोटा बच्चा अगर होगा ना, उसके लिए मालूम है ये गिरीश कौन है? जी नहीं, टकलू अंकल. जी, ओ माय गॉड, लुक एट द वे ही इज टेकिंग गिरीश एज अ वेरी सिंपल ह्यूमन बीइंग. मैं अगेन, आपका जो कवर है ना, आपकी जो आपने जो अक्वायर कर लिया है ना, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो अवार्ड है, आपका जो रिवॉर्ड है, आपकी जो स्टेटस है, उसके आधार से मैं आपको देख रहा हूँ. फिर से मैंने अंदर कॉम्प्लिकेट कर लिया है, और फिर इसको ठीक करने के लिए मैं किसी और का मदद लेता हूँ. एक छोटा बच्चा जो है ना, एब्सोल्युटली फियरलेस होता है, उसको किसी का डर नहीं है. और हम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे पास क्या कुछ नहीं है. आज गिरीश ने 18 साल पहले MBA कंप्लीट किया. आज मुझे इस बात का डर है कि कल मेरे साथ पता नहीं मेरा कंपनी में जॉब सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा. मैंने क्या अक्वायर कर लिया? वेयर इज दैट कॉन्फिडेंस अबाउट माय ओन कॉम्पिटेंसीज? कहाँ है? मेरे को ठीक है, मैंने पिछले 10 साल काम किया, कुछ नहीं होगा, तो भी अपनी मेहनत के दम पे, अपनी कॉम्पिटेंसीज, अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज के नाम पर अपने जीवन को चलाऊंगा. किस बात का डर? वो छोटू को कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी वो इतना कॉन्फिडेंट है. इतना कॉन्फिडेंट है, उसके हिसाब से सब कुछ परफेक्ट है लाइफ. या उसको इतना भरोसा है बहुत सारी चीजों पे. आज हमारे पास, हमने बाहर से बहुत कुछ करने के बाद भी हम बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं. Look at how we have made it very complicated. जैसे एक बच्चे को हम ऊपर कूद, जैसे उसको खिलाते हैं, अगर एक पेरेंट अपने बेटे को ऐसे उछालता भी है, तो वो भी कितना कॉन्फिडेंट रहता है. डैडी उठाएंगे, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ी ना कुछ करना है. लेकिन हम तो जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ने के लिए भी फूक फूक के सोचते हैं, भाई क्या करना है. जिंदगी पे भरोसा नहीं है, इसीलिए कहा जिंदगी को ही नहीं समझा. हमको लगता है हम जी रहे, हमको लगता है हम काम कर रहे हैं. Where life is lost in living. ये living को नहीं करना है, हमको life को embrace करना है. हमको life पर भरोसा करना है, हमारे इस nature के wonderment पे भरोसा करना है, इस प्रकृति पे भरोसा करना है, अपने आंतरिक science and technology पर भरोसा करना है. आज मुझको इतना भरोसा है science and technology पर कि मैं safely पहुंच जाऊंगा, क्योंकि इतना safety measures है. जी. और मुझे पता है मेरी safety के लिए
शायद भारतीय रेल के अनेक एम्प्लॉयज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मेरे को उन पर भरोसा है, लेकिन आज भी प्लेन क्रैशेस, सब चीजें, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, आज सडन डेथ, पता भी नहीं चलता, क्योंकि आज उसमें भी फियर है ना, क्योंकि आज हमने जिस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए इतनी सारे चीजें हमने अपना ली है, इतने सारे कम्युनिकेशन स्किल्स, ये वो, आज हम जाते ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान हो गया है, लेकिन आज हम जा रहे होते हमको पता नहीं हमारा फ्लाइट ठीक से लैंड भी करेगा कि नहीं करेगा, तो ये जो डर रहता है जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही होती है तो हम सोचते हैं यार ओ गॉड सब ठीक ठाक पहुंच जाए, तो ये भी एक फियर है, मतलब आज हम हर पल जब हम सुबह से उठते हैं एक फियर के साथ में ही शुरू करते हैं दिन की और एंड भी फियर से ही करते हैं, तो इसका क्या? अच्छा मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं फ्लाइट में बैठा हूं, अब प्लेन उड़ने वाली है, अब या तो मैं डरूं पता नहीं लैंड होगा सेफली या नहीं, या फिर अंदर के कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा ठीक करूं और सोचूं कि यस I have complete faith in that pilot. I have complete faith in the cabin crew. I have complete faith on myself. I have complete faith in the Almighty. And I have complete faith in my fate. Whatever will happen, I'll embrace it. Then I'll be able to enjoy the whole journey. कहीं ना कहीं हम रिजल्ट के चक्कर में, and as you said, अब वो आपकी चॉइस है कि मैं नेगेटिव सोचूं या पॉजिटिव सोचूं. Exactly. That's you have both the options. Yeah. तो मैं उस बात पे आपको वापस लेकर जाना चाहता हूँ जो मैं कह रहा था, आध्यात्मिकता बहुत इजी है. तो वो ड्राइवर भाई ने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो. मैंने सच कहा, मैं बातें करता हूँ. लेकिन ये जो कवर है ना, ट्रेनर हूँ, प्रोफेशनल हूँ, लीडरशिप कोच हूँ, इसके चक्कर में मैं बातें करना जो है ना वो ड्राइवर के साथ, मैं फिर बहुत ज़्यादा बाह्य जगत में आ जाता हूँ. आई वॉन्ट टू इम्प्रेस दैट पर्सन, कैन आई बी ईजी, वाई शुड आई शो ऑफ. वो हर पल होना चाहिए ना. क्या मिल जाएगा मुझे उसको बता करके कि मैं बहुत बड़ा लीडरशिप कोच हूँ. वॉट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन आई एम लुकिंग एट, एंड दैट इज वेयर कम्स द ईगो पार्ट ऑफ इट. आई वॉन्ट टू बी नोन बाय पीपल, नॉट बाय व्हाट आई एम, बट व्हाट आई हैव अक्वायर्ड. नो बदन, आपने इतनी मेहनत करके एमबीए की क्वालिटी हासिल की, आज आप इतने लाइफ कोच हैं, आज आप लोगों की लाइफ को बदल रहे हैं, तो क्या आप उस चीज को एम्ब्रेस नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आज जब सामने वाला बंदा आपको, आपसे जब बात कर रहा, तो ड्राइवर के लिए शायद आपकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है जब आप कैसे कहते बढ़ेगी कि मैं लीडरशिप कोच हूं. हां जी बिल्कुल, क्योंकि यही तो मैं बोल रहा हूं ना, आज हम आपको अगर मैं बताऊं कि मैं लीडरशिप कोच हूं या मैं बहुत बड़ा मैनेजर हूं या मैं बहुत बड़ा एक्स वाई जेड हूं, तो ये जब मैं बताऊंगा तो आपको मैं इम्प्रेस कर रहा हूं ना. राइट, प्रश्न ये है कि क्या मैं अपने आप को इम्प्रेस कर सकता हूँ? क्या मैं आपको बता करके ही खुश रहूं? मान लीजिए कल की डेट में आप बोलते होगा तू कहीं का लीडरशिप कोच, मैं भी हूं, तब आपकी खुशी तब हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. मेरे लिए कंपैरिजन आ गया. हाँ, अब वहां कंपैरिजन आ गया. वहां पर मैं और आप अपनी तुलना आपके acquired qualification या status के आधार से मैं life को जीने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर कैसे आसान बनेगा? आप जो हैं, जैसे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छे हैं. मैं मेरे लिए बहुत easy हूँ. मैं एक बहुत simple व्यक्ति हूँ. मैं बातें करता हूँ लोगों से. It is as simple. इससे फर्क क्या पड़ेगा कि मेरी जो satisfaction है, मेरा जो life है, मेरा जो 24 घंटा है, वो बहुत आसान हो जाएगी. करेक्ट, क्योंकि मैं दिखावे की जिंदगी नहीं जी रहा हूँ. मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं बता, मैंने क्योंकि वो ड्राइवर भाई था इसीलिए मैंने नहीं कहा कि मैं बातें करता हूँ. मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं हर जगह पे यही बात करता हूँ कि मैं बातें करता हूँ लोगों से. अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा, देखना है इजीनेस में भी कितना कॉम्प्लिकेशन है. उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप लोगों से क्या बातें करते हैं? Wow, that's a beautiful question. That's an intelligent question. Yeah. Now again, external and internal. External, अगर होता था तो मैं बोल सकता था. मैं insights पे बात करता हूँ, मैं leadership पे बात करता हूँ, मैं inspirational leadership में बात करता हूँ, मैं inner leadership में बात करता हूँ, मैं stress management पे बात कर सकता हूँ, मैं वो सब topic बता सकता था. आसान अपना परिचय. मैंने वो भाई को कहा कि मैं लोगों से अच्छी अच्छी बातें करता हूँ. अच्छी तो बातें हैं ना? जी बिल्कुल. क्यों मैं इसको अगेन कॉम्प्लिकेट करूँ? इट्स इजी ना. या आई थॉट प्रोबेबली
ही वुड नॉट फील गुड टॉकिंग टू मी. मुझे ऐसा लगने लगा कि वो सोचेगा तो ठीक है तू बातें ही करता है ना, अच्छी अच्छी बातें करता है तो कर ना, व्हाट इज अ बिग डील. करेक्ट. अब बिग डील अगर मुझे करना है तो देन आई हैव टू यू नो उसको बहुत अच्छा फ्लैशी बनाना पड़ेगा. Exactly. मुझे बताना पड़ेगा कि मैं ऐसा ऐसा करता हूँ. सॉरी, लाइफ इज नॉट करता हूँ, लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज नॉट काम करना. राइट. तो उन्होंने लास्ट मुझसे सवाल पूछा कि सर आप क्या अच्छी अच्छी बातें करते हो. लुक नाउ आई एम गोइंग टू द कोर ऑफ इट, नाउ आई एम कमिंग एंड कनेक्टिंग माई सेल्फ कि क्या अच्छी बातें करते हो. तो मैंने उनसे कहा, अब मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या बताऊं कि क्या अच्छी बातें करता हूं. सडनली वो भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा. उन्होंने कहा सर आपको बहुत गर्मी लग रही है क्या. मैंने कहा हाँ मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है. उन्होंने कहा मैं माफी चाहता हूं, मैं आपके बारे में इतना सोच रहा था सवालों में इतना कि मैं भूल गया एसी ऑन करना. तो मैंने कहा तो प्लीज एसी ऑन कर दीजिए. तो उन्होंने कहा कर देता हूँ. तो उन्होंने एसी ऑन किया, फिर सब ठंडी हवा आने लगा. आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल. तो मैंने उनसे पूछा and I got the answer कि क्या अच्छी अच्छी बातें करते हैं. मैंने उनसे कहा कि आपके इस कंट्री में बहुत गर्मी होती है. बोला साहब गर्मी के दिनों में तो बहुत एक्सट्रीम हीट आ जाता है. तो मैंने कहा देन हाउ डू यू मैनेज, जिंदगी भी आज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, हाउ डू वी मैनेज. तो उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है. मैंने कहा मतलब. बोला सब जगह एसी है. मैंने कहा मतलब. बोला बस स्टॉप में भी एसी है. आप गल्फ कंट्रीज में जाएंगे तो बस स्टॉप कवर्ड होता है, व्हेन यू एंटर इट विल ओपन, यू बी देयर, एसी है, बस आएगी तो खुल जाएगी, आप बस में चढ़ जाएंगे. बस में भी एसी है, स्टेशन में भी एसी है, ट्रेन में भी एसी है, एयरपोर्ट में भी एसी है, फ्लाइट में भी एसी है, दुकान में भी एसी है, घर में भी एसी है, बाथरूम में भी एसी है, किचन में भी एसी, सेंट्रलाइज एसी. तो मैंने वो भाई को कहा कि गर्मी से बचने के लिए मनुष्य ने बाहर सब जगह एसी लगा दिया, बस माथा ही गर्म रहता है. क्या बात है. प्रश्न ये है जी, माथा को ठंडा करने का कोई एसी नहीं है, हमने सोचा भी नहीं. साइंस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी, फिलोसफी. तो मैं चाहता हूं कि अंदर का एसी के लिए भी हम थोड़ा सा विचार करें और यहां से शुरुआत होती है जिंदगी बने आसान, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ जिंदगी कूल, काम, रिलैक्स्ड, पीसफुल, सक्सेसफुल हो जाए. वाह भाई जी, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने कही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अमल करेंगे हम तभी हम उसकी रियल रस को समझ पाएंगे. उन्हीं के बारे में जानने के लिए हम फिर से आपसे मिलेंगे जरूर अगली कड़ी में. थैंक यू भाई जी. थैंक यू. ओम शांति. दोस्तों आज हमने क्या जाना कि जिंदगी एक संघर्ष की तरह है, लेकिन उसे आसान करने के लिए आध्यात्मिकता हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कड़ी हो सकता है. उसके बारे में जानने के लिए हर वक्त हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके सवाल के जवाब ढूंढने के लिए आपको हमारे साथ फिर से जुड़ना होगा. आज हमने एक और बात जानी कि जिंदगी खुश रहने का नाम है, लेकिन खुश रहने के लिए हमें दूसरों के बारे में भी जानना है और अपने आप को भी खुश रखना है, तभी हम जिंदगी को आसान कर सकते हैं. जिंदगी आसान तभी हो सकती है जब हर बात को हम सिंप्लीफाई करें, सिंपल करें और जिंदगी आसानी से जिए. इसी बात के साथ आज की कड़ी की हम अंत करते हैं. कल फिर मिलेंगे इसी समय आपके शो में जिंदगी बने आसान. ओम शांति. नमस्ते. Thank you.